बाबा ओ मेरा बच्चा, तो ठीक है भाई मेरे दोस्त, डरने का नहीं, इतना काला धुआं भाई। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल? तो भाई काफ़ी दिन से मेरे दिमाग में सवाल चल रहा था कि मैं एवरी संडे एक राइड किया करूं, तो भाई अभी मैं निकल रहा हूं कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ अच्छी जैसी लोकेशन के लिए, कुछ अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। तो भाई सुबह सुबह जो राइड करने का मज़ा होता है ना भाई, अलग ही लेवल का मज़ा होता है। तो भाई अभी मैंने चाय वगैरह इंजॉय कर ली है, और आई होप आपने भी कर ली होगी अगर आप इतने जल्दी उठ गए होंगे। तो गाइज अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30, तो सो हेलो आदाब नमस्ते सत श्री अकाल, मैं के पहाड़ी राइडर आप सभी का हिमाचल की खूबसूरत वादियों में स्वागत करता हूं। तो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, और गाइज आप बने रहिए एक एक के साथ, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना गाइज, और अगर आप चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब देखते हैं गाइज हमें सनराइज मिलता है कि नहीं मिलता है, तो अभी चलो चलें। तो गाइज अभी मैं पहुंच गया हूं ऑन द वे, और भाई आप लोगों को बता दूं तो सूर्यदेव जी पधार चुके हैं, और बहुत ही अच्छा मौसम है। अभी जिस लोकेशन पे मैं सनराइज़ होते हुए देखना चाहता था गाइस, तो उस जगह पे मैं अभी पहुंच नहीं पाया। तो चलो कोई बात नहीं, हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर नज़ारा इन ठंडी ठंडी हवाओं के साथ। गाइस जो सुबह सुबह राइड करने का मज़ा आता है ना, वो एक अलग ही लेवल का मज़ा आता है। दिस स्टेशन इज बरौटी बाला। तो भाई यहाँ पे चलान बहुत ज़्यादा होते हैं गाइस, एक बार मेरा भी चलान हुआ था यहाँ पे, मतलब जब मैंने नई नई एक्टिवा ली थी अपनी, तब हुआ था। आई थिंक नंबर प्लेट नहीं लगाई थी, शायद मैं नंबर प्लेट लगाने के लिए जा रहा था, तो उस टाइम मेरा चलान हुआ था यहाँ पे। जब भी सुबह सुबह फॉग पड़ी हुई है, मैंने तो सोचा सुबह सुबह का नज़ारा कुछ अलग ही लेवल का होगा, तो भाई वो अलग ही लेवल का नज़ारा है। ठंडी ठंडी हवा चलती हुई, और भाई सूर्यदेव भी आ गए हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं सूर्यदेव की किरणें, और हम भी राइड का मज़ा लेते हुए इन ठंडी ठंडी हवाओं के साथ। अभी तो गाइज मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ इम्प्रूव करना है अपने अंदर, अपने वीडियो क्वालिटी के अंदर, मतलब बोल चाल ढाल सब कुछ, मतलब अपने अंदर इम्प्रूव करना है गाइज। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, कैसी नहीं लगती है। भाई काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है मेरे को। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो भाई सुबह सुबह जो भजन कीर्तन गुरबाणी सुनने का मज़ा होता है, वो एक अलग ही टाइप का मज़ा होता है। और गाइस एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, तो भाई मैंने सर्विस भी करवा ली है नेक्स्ट रोड ट्रिप के लिए, तो हो सकता है हम बहुत जल्दी नया रोड ट्रिप करें और आपको बैक टू बैक वीडियो देखने को मिले माय चैनल पर। यहाँ से ले लेंगे हम लेफ्ट टर्न, और पकड़ लेंगे चंडीगढ़ पे। ए मैं हूँ, ए मेरी लाडो है, और अभी हम राइड कर रहे हैं। वाओ, पहले गाइज मैं सोच रहा था कि भाई ग्लव्स ना डालूं, तो भाई ग्लव्स डालने का एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया, एक तो हम ठंडी से बच गए, दूसरा हम सेफ्टी को फर्स्ट प्रेफर दे रहे हैं। अभी हम राइड कर रहे हैं शिश्वर रोड पे, जो जाता है चंडीगढ़ के लिए, तो काफ़ी पीसफुल प्लेसेस हैं इस साइड, मतलब यहाँ पे प्रदूषण नहीं है, कहने का भाव ये है, एकदम नेचर का मज़ा ले सकते हो आप इस साइड राइड करके। और गाइस अभी मैंने कुछ मॉडिफिकेशन भी करवानी है एक्टिवा के ऊपर, और
अगर गाइस मैं इसकी पावर की बात करूँ तो भाई पावर एकदम मस्त है एक्टिवा की एस कंपेयर टू जुपिटर। गाइस मैंने जुपिटर भी चलाई है पर जो मुझे पावर और राइड का मज़ा आता है वो भाई एक्टिवा में ही आता है। ओए होए क्या नज़ारा है बॉस। कल वाली वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और जो अपने नए भाई YouTube पे आना चाहते हैं और मोटो ब्लॉगिंग स्टार्टअप अपना कम पैसों में तैयार करना चाहते हैं तो भाई उन बंदों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी कल वाली वीडियो। अगर जिन बंदों ने नहीं देखी है तो भाई जल्दी से जाने का और वीडियो देख डालने का और नॉलेज उठा लेने का। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है मेरे को, मैंने तो अंदर हाफ बाजू टी शर्ट डाली हुई है और ऊपर से एक जैकेट ही डाली है खाली। फुल बाजू की अगर मैंने टी शर्ट डाली होती तो थोड़ा सा ठंड से बच सकते थे। चलो कोई बात नहीं, लोग अपना तेल बचा बचा के चलते हैं आज की डेट में क्योंकि भाई तेल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है और हमें देखिए हम तो भाई तेल उड़ाए जा रहे हैं। तो गाइस अभी हम आपको बता दें तो भाई ये भी हमारा स्ट्रगल है, तेल उड़ाना भी भाई हमारा स्ट्रगल है। तो भाई आज तेल उड़ाएंगे तो कल को मौज उठाएंगे। तो भाई पंजाब में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस यहाँ से चंडीगढ़ है 24 किलोमीटर। तो गाइस सुबह सुबह तो हमें खाली रोड देखने को मिलेगा और अगर मैं दिन की बात करूँ तो भाई दिन में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। क्या हुआ रे भाई, है नहीं कुछ भाई, मैं लाया नहीं भाई कुछ भी। साइकिलिंग करने का भी एक अलग ही मज़ा होता है। क्या हुआ था गाइस, क्या नज़ारा है बॉस आगे का। तो भाई अभी मैं थोड़ा सा आगे तक जाऊंगा और वहां से टर्न लेके वापस आ जाऊंगा। क्या ग्रीनरी है बॉस, ओए होए क्या एक नंबर। तो भाई अभी यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा चाय वाय पीते हैं रे बाबा और गाइस चारों तरफ का नज़ारा कुछ इस तरह का है। बहुत ही पीसफुल प्लेस है भाई, ओए होए सूर्य देवता को प्रणाम। तो भाई बहुत ही प्यारा लग रहा है सूर्य देव जी। और अभी हमने चाय का ऑर्डर कर दिया है तो भाई अभी यहाँ पे चाय पीते हैं फिर चलते हैं। ये अपनी चाय भी आ गई और मैं अभी चाय एंजॉय कर रहा हूँ। तो भाई बहुत अच्छा सनराइज़ हुआ है यहाँ पे और जो गाइस एक्स्ट्रा नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ उसे अवॉइड कर दें क्योंकि भाई मैं अभी आपको बता दूँ तो मैं बिल्कुल NH के साथ बैठा हूँ चाय पीने के लिए। तो भाई अभी मैं यहीं से वापस हो जाऊँगा और चाय वगैरह इंजॉय करते हैं फिर आपको एक अच्छी और लोकेशन पे लेके चलते हैं। तो गाइस अभी मैंने चाय वगैरह पी ली है और अभी हम चलते हैं यहाँ से। बहुत अच्छी मॉर्निंग के साथ आज दिन की शुरुआत हुई है गाइस। तो भाई चाय वगैरह भी हो गया तो अभी हम वापस जा रहे हैं बद्दी को। अपना शरीर भी वार्म अप हो गया और अपनी एक्टिवा भी वार्म अप हो गई है। तो गाइस अभी मैं थोड़ा सा रोड से नीचे आ गया हूँ और भाई मैंने टी इंजॉय तो कर लिए है। तो भाई अभी मैं जो आपको नज़ारा दिखाने वाला हूँ ना भाई बहुत ही अल्टीमेट नज़ारा है। तो भाई हैव अ लुक मैन, आप एक बार अपनी आँखों से भी देख लीजिए। उठने का ना गाइस जो अलग ही मज़ा होता ना वो एक अलग ही लेवल का मज़ा होता है भाई। जो सुबह सुबह का नज़ारा होता ना तो भाई बहुत ही अल्टीमेट होता है। जो पक्षी पानी के ऊपर तैर रहे हैं भाई बहुत ही प्यारे लग रहे हैं।
भाई जब भी हम चलते हैं और भाई जो इन पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ है ना, वो कानों में बहुत ही प्यारी लग रही है। मेरा तो गाइस आज का दिन बन गया। काफ़ी दिनों के बाद मैं भाई इस साइड आया हूँ। पहले तो भाई मैं मोटो ब्लॉगिंग नहीं करता था, ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बनाता था। तो भाई जब से मैं मोटो ब्लॉगिंग वगैरह करना स्टार्ट किया तो भाई मैं अच्छी अच्छी लोकेशन पे चला जाता हूँ और आपके लिए काफ़ी अच्छी लोकेशन कैप्चर करता हूँ, ताकि भाई आपका भी इंटरटेन्ट बना रहे और अपना भी काम बनता रहे। गाइस मैं रोड पे पहुंचा भाई, ये लोग फिर से मेरे पास आ गए। हाय, अरे डरने का नहीं बाबा। अभी हम चलते हैं यहाँ से, और ये तो भाई खाने के लिए ढूंढ रहा है, तो भाई खाने के लिए तो नहीं लेके आया। तो अगली बार भाई जब भी आऊँगा तो तेरे लिए पक्का लेके आऊँगा कुछ ना कुछ खाने के लिए। तो चलते हैं रे बाबा। ओ मेरा बच्चा, तो ठीक है भाई मेरे दोस्त, डरने का नहीं। ठीक है, बाय 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 बाय। तो चलो भाई अब चलते हैं। जब गाइस मेरे घर में ना बैल हुआ करते थे, तो मैं उनके साथ ना बहुत लाड प्यार से रहता था। तब मेरा मतलब बैलों के साथ ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बैल। क्योंकि भाई अपनी जो खेती बाड़ी का काम होता था पहले, तो भाई हम बैलों के साथ ही करते थे, तो इनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है भाई। कभी भी इनके साथ आप मिसबिहेव मत करो, मतलब मारो पिटो मत इनको। जब भी आपके पास कुछ खाने के लिए हो ना, तो आप कुछ ना कुछ इनको खाने के लिए दे दो, जो आप खुलेआम ऐसे घूम रहे होते हैं रोड पे। भाई इसको बोलते हैं मेहनत, जो बंदे सुबह सुबह लकड़ियाँ बिटोर के फिर जाके कहीं इनका लोगों का चूल्हा जलेगा और फिर खाना पकाएंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के, जैसे इन्होंने लकड़ियाँ रखी हुई। बैलेंसिंग तो देखो गाइस कितनी ख़तरनाक बैलेंसिंग की हुई इन लोगों ने। इतना काला धुआं भाई, ओ भाई ओ भाई, इतनी ज़्यादा स्मोक भाई, चलान क्यों नहीं काट रहे इस बंदे का। और गाइस आज वीडियो को यहीं पे ऑन द वे क्लोज करेंगे। अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और एक अच्छा जैसा कमेंट करना, आपको वीडियो कैसी लगी कैसी ना लगी। तो और अगर चैनल पे नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, गाइस साथ में ही बेल आइकन दबाना, ताकि आपको मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। मिलते हैं अब किसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय हिमाचल, बाय बाय।